एक लंबे समय से एक मांग थी कि भोपाल से लेकर के रीवा हम रेवांचल एक्सप्रेस में जाते हैं तो उसमें कई बार जल्दी जब जाना होता है तो उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता और महीने दो दो तीन तीन महीने तक रिजर्वेशन नहीं मिलता। और किसी को जाना हो, भोपाल में बड़ी आबादी है, मेरी भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा विंध्यवासी रहते हैं और पूरे भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी आबादी जिसको कहा जाता है कि लगभग 4 लाख के आसपास की आबादी है, जिसको सतना मैहर या रीवा जाना होता है तो उनके लिए एकमात्र ट्रेन है, उस पर लोड रहता है, उसका रिजर्वेशन नहीं मिलने के कारण बड़ी कठिनाई होती है। चुनाव के दौरान जब मैं विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होकर जनता के बीच में था, तभी बहन वंदना द्विवेदी जी ने सिंधु भवन ट्रस्ट में एक दीपावली मिलन का कार्यक्रम रखा था, आयोजक भाई सुनील पांडे जी थे, तो वहां बात आई कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, एक ट्रेन हमको मिल जाए, क्योंकि इतनी कठिनाई होती है, रिजर्वेशन होता नहीं है, कभी खुशी में कभी गम में हमको जाना होता है, कोई दुर्घटना हो जाए तो हम जा नहीं पाते, हमारे लिए बहुत कठिनाई है, रीवा के लिए कोई और कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो एक ट्रेन और मिल जाए। तो 13 नवम्बर 2023 को वहां पर दीपावली मिलन के कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, जो मध्य प्रदेश के चुनाव की दृष्टि से भी सह प्रभारी थे, वो वहां उपस्थित हुए, तो उसमें सब लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी आप इनके ऊपर छोड़ दीजिए, इनको विधायक बना दीजिए, तो ये ट्रेन हम देने का प्रयास करेंगे। फिर बीच में एक विषय आया भी, उन्होंने कहा एक ट्रेन जो इंदौर से चलती है इसको बढ़ाया जाए, हमने कहा उससे हमारी समस्या हल नहीं होगी, हमारी समस्या तब हल होगी जब भोपाल से रीवा के लिए एक अतिरिक्त हमको ट्रेन मिल जाए, नाम रेवांचल न होकर कुछ हो जाए। वैसे तो हमने कहा था रेवांचल 2 दीजिए, लेकिन वो लिखने में कई बार दिक्कत जाती है, तो कोई आप नाम कोई भी रख लीजिए लेकिन उसका गंतव्य भोपाल से चलकर रीवा पर समाप्त होना चाहिए। और 25 तारीख की रात को मैं एक मित्र के यहां था तो वहां फोन आया कि अश्विनी वैष्णव जी ने मुझे कहा कि मैंने आपकी मांग को पूरा कर दिया है और अभी फाइल पर साइन करने के बाद मैं पहली सूचना आपको दे रहा हूं कि भोपाल से रीवा के लिए एक और ट्रेन सेंक्शन हो गई है, तो उसका पूरा शेड्यूल भी आ गया है और ट्रेन संभवतः शुक्रवार को, बाकी सारी अनुकूलता रहेंगी तो 2 अगस्त को भी ये ट्रेन आरंभ होगी। ये एक पत्र माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने मुझे जो लिखा है, कृपया आपने पत्र 25/6/2024 का संदर्भ ग्रहण करें जो जन सुविधा हेतु रेलगाड़ियों के संबंध में है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भोपाल रीवा के मध्य एक नई रेलगाड़ी के संचालन को स्वीकृत कर दिया गया है। रीवा के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार कहें, अश्विनी वैष्णव, जो मुझे उन्होंने पत्र भेजा। साथ में वहां से भारत सरकार के रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा जो रेल का शेड्यूल दिया है, यह ट्रेन सप्ताह में अभी 2 दिन चलेगी और उसके दिन होंगे शुक्रवार और रविवार और रीवा से जब चलेगी शनिवार और सोमवार। ये अभी पैसेंजर की संख्या के हिसाब से इसमें, फिर हम जानते हैं कि ट्रेन पहले साप्ताहिक होती है, लेकिन बाई वीकली ये ट्रेन आरंभ हो रही है। भोपाल से यह ट्रेन रात को 22:30 10:30 चलेगी और 8:05 पर रीवा पहुंचेगी। रास्ते में भोपाल से रानी कमलापति, इटारसी, जबलपुर, सतना और रीवा, ऐसे 5 स्टेशन उसमें दिए हैं। और रीवा से भोपाल जब आएगी ये ट्रेन तब 23:00 अर्थात 11:00 रात को वहां से चलेगी और सतना, जबलपुर, इटारसी, रानी कमलापति होते हुए भोपाल, यानी भोपाल से आरंभ होकर के रीवा और रीवा से चल करके भोपाल आएगी और यहां 9:15 पर उनके पहुंचने का उन्होंने समय दिया है और ये कार्यक्रम भी है, ये आपको दिया जा रहा है। तो इन तीनों पत्रों के साथ मैं आज इस प्रेस के माध्यम से विंध्य एकता परिषद की हमारी पूरी टोली बैठी है जिन्होंने बड़े लंबे समय तक इसकी चर्चा की, बातचीत की और यहाँ भी रीवा के, मुझे लगता है चेहरों से लग रहा है कि रीवा के भी साथी यहाँ बैठे हैं जो रेवांचल में रिजर्वेशन न मिलने के कारण कठिनाई में रहे होंगे,
आज आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, उनके किए हुए वादों को उन्होंने पूरा किया इसलिए उनका कोटिशा आभार, हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का बहुत धन्यवाद। हम सब इस विषय पर जब काम करते हैं तो 13 नवंबर को 2023 को चर्चा हुई और 2 अगस्त को ये ट्रेन चलने वाली, इतने शॉर्ट समय में, इतने छोटी अवधि में इस ट्रेन का मिल जाना अपने आप में वास्तव में ये बताता है कि नेतृत्व किसी विषय को लेकर के कितना गंभीर होता है। साथ ही उन्होंने जो लिखा है कि सभी रीवा के बहनों और भाइयों को बधाई दीजिए, तो मैं आपके माध्यम से सभी रीवा वासियों को जो ट्रेन के लिए परेशान होते थे उनको भी बहुत बहुत बधाइयां कि अब आपकी कठिनाई कम करने का काम माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने किया।